फ्रेंड वी आर कंटिन्यू द टॉपिक आज थैंक टू लॉर्ड फॉर थर्ड क्लास। आज हम आगे के दो जो टॉपिक रह गए थे वो कंटिन्यू करेंगे। आई थैंक यू फॉर द मैनी टाइम्स यू कैरी मी द थ्रो माई स्टेप आई लॉन्ग फॉर विद द ईच पासिंग डे यू प्रेजेंस इन माई लाइफ। हे भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ उस सभी समय के लिए यू कैरी मी थ्रू माई स्टेप, मेरे संघर्ष के समय में मेरे संघर्ष के माध्यम से मुझे ऊपर उठाया। आई लॉन्ग फॉर विद द पासिंग डे, जितना भी समय आपके साथ व्यतीत हुआ यू प्रेजेंस इन माई लाइफ, उस समय आप मेरे जीवन में उपस्थित थे। प्रेजेंस मतलब उपस्थित होना, स्टेप मतलब संघर्ष। नेक्स्ट टॉपिक है आई थैंक यू फॉर द टॉलरेंस एंड अ लव दैट नेवर एंड। हाउ ग्लैड आई एम दैट यू आर बोथ माई सेवियर माई फ्रेंड। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ उस सभी सहानुभूति के लिए एंड और उस प्यार के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाउ ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, मैं कितना खुश हूँ। यू आर बोथ हम दोनों के लिए, माई सेवियर, सेवियर मतलब रक्षक, हे मेरे रक्षक और मेरे दोस्त। ओके क्लास, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपके होमवर्क में आपकी जो एक्सरसाइज में टिक द राइट आंसर वो दिए हुए हैं। आपको ये तीन के आंसर चूज़ करके एक पे टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट वाला है द पोइट गेट बेलिंग बाय द गॉड, मतलब कवि भगवान से किस चीज़ के लिए बोल रहा है। तो एवरी डे इन माई लाइफ, प्रत्येक दिन उसके जीवन में रहने के लिए, या पर्टिकुलरली मतलब कुछ दिनों के लिए, या ओनली फॉर सिर्फ शाम के समय में उसके ज़िंदगी में। तो आपको इन तीनों में से एक चूज़ करके लिखना है। ऐसे ही आपके नेक्स्ट दो दिए गए हैं वी गेट विक्ट्री इन आवर लाइफ, और थर्ड है आपका व्हाट डज द पोइट कॉल गॉड, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको तीनों में से एक एक का टिक करना है, आंसर करना है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।